एक कपल को बोल दिया उसने, एक बंदे ने, कि यार तुम तो चूहा भी पैदा नहीं कर सकते। वो कहता है उसका अताब और अजाब मेरे ऊपर ऐसा आया कि मेरे तीन बच्चे जाया हो गए पेट में और मैं आज तक ना मैं बे औलाद हूँ। और उसको, उस बंदे को ये रिग्रेट और सेल्फ रियलाइजेशन थी कि मेरी अगर औलाद नहीं हुई वो इस वजह से नहीं हुई। और अभी मैं रिसेंटली एक कोट पढ़ रहा था कि कभी कभी इंसान की आखिर की जो जिंदगी होती है उसके अंदर उसके शुरू के जो उसके काले करतूत होते हैं उसके असरात जाहिर होना शुरू होते हैं। हम करके भूल जाते हैं, हम तो अच्छाई करके ही भूल जाते हैं, हम बुराई करके ही भूल जाते हैं। माँ का रब्बू का नसीहा, हमारा रब जो है ना वो नहीं भूलता। 20 साल की उम्र में, 25 साल में, 30 साल में किसी को ताना मार दिया, आपने किसी को जो है ना किसी के पैसे खा लिए, आपने कुछ भी कर, असल में बात ये कि आप जो है ना हीटलेसनेस जिसको हम कहते हैं गफलत वाली जिंदगी गुजारी और आप इतने साल गुजारने के बाद आप उसको दो तरीकों से क्लियर नहीं कर सके। एक तरीका क्या था कि आप जो है ना कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ्वा फाफू अन्नी, के अल्लाह तू तो सरापा दरगुजर करने वाला है, दरगुजर करने को पसंद करता है, फाफू अन्नी मुझे माफ कर दे। या तो इंसान इस तरीके से अल्लाह से क्लियर करा लेता अपना मामला, या फिर जो है वो ऐसी नेकियों के पहाड़ दे देता कि उसकी बुराइयां खुद ही वाइप ऑफ हो जाती, ठीक है ना। और हमारा ये भी अकीदा है कि जी गुनाह कबीरा जो है वो तौबा के बगैर नहीं होता, हालांकि ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे गुनाह कबीरा क्यों ना हो ताला नेकियों की वजह से उसको माफ कर देते हैं। और नेकियां भी फिर वो कमाल की हो, मतलब वो कलमा तौहीद की वजह से अल्लाह ताला उस गुनाह कबीरा को माफ कर देता है। मन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, और सहाबा ने पूछा अगर जो उसने जो है ना वो इन सरका व जना और कमा कौल, अगर जो उसने चोरी भी की और जना भी किया, हाँ जी। तो कहने की बात इन दोनों सेगमेंट से उसने जो है ना वो क्लियर ना कराया और वो गफलत की वजह से वो आगे चला गया जिंदगी के अंदर और उसके मामला क्लियर नहीं थे जिंदगी के अंदर, चाहे वो अल्लाह के साथ थे, चाहे वो उसके अपने साथ थे, चाहे वो लोगों के साथ थे, चाहे वो इस कायनात के साथ थे, वो उस गफलत से आगे चला गया। माँ काना रब्बू का नसीहा, रब नहीं भूला। और उसके बाद जो है मैं आगे भी 2-3 स्टेजेस आपके सामने रखता हूँ, बड़ी जिंदगी के गहरे पॉन्ड्रेंस के बाद मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ कि अल्लाह भी जो है ना अल्लाह की भी अदाएं हैं और अल्लाह के भी जो है ना मैं कहता हूँ असरार हैं और अल्लाह की भी जो है ना एक अनसीन वर्ल्ड है जिसको वो पैटर्न्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं जिसको अनलॉक करना ना बड़ा मुश्किल होता है। और अल्लाह भी जब जो है ना पकड़ता है इंसान को, उसको तो भाई बड़ा सिंपल पकड़ लेता है ऐसा कि अजाब में डाल दिया। सबसे आसान है कि अल्लाह किसी को अजाब दे दे, उसके लिए समझना ही बड़ा आसान है। तो उसने रिश्वत खाई घर बर्बाद हो गया, ये कैलकुलेट करने के अंदर मैथमेटिक्स में बड़ा आसान है। उसने उसको ताना मारा, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसने उसका जुल्म किया, उसके साथ ये हो गया और इमीडिएट हो गया, ये बड़ा आसान है कैलकुलेट करना। मुझे एक शख्स ने बताया था, एक कपल को बोल दिया उसने, एक बंदे ने, यार तुम तो चूहा भी पैदा नहीं कर सकते। वो कहता है उसका अताब और अजाब मेरे ऊपर ऐसा आया कि मेरे तीन बच्चे जाया हो गए पेट में और मैं आज तक ना मैं बे औलाद हूँ। और उसको, उस बंदे को ये रिग्रेट और सेल्फ रियलाइजेशन थी कि मेरी अगर औलाद नहीं हुई वो इस वजह से नहीं हुई। तो अल्लाह का पैटर्न ये है कि अल्लाह सिंपल ना 2+2=4 अजाब दे देता है। दूसरा एक और ही पैटर्न है अल्लाह ताला का जो हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि अल्लाह ताला जो है हमारे उन्हीं मामलात की वजह से और उसको दोनों तरीकों से क्लियर ना करने की वजह से हमारी जिंदगी को जो है ना तंग कर देता है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में इस तरह भी बयान किया था, मन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, कि उसकी जो मईशत जो होती है ना उसकी जो पूरी जो जिंदगी है वो अल्लाह ताला सफोकेट कर देता है। और वो इतना ज्यादा कह रहे हैं अल्लाह ताला में जिंदगी को सफोकेट करते हो, जिंदगी को सफोकेशन का मतलब ये भी है कि उसकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट सफोकेट हो जाते हैं, उसके बिजनेस जॉब वो सफोकेट हो सकती है, उसका जो थिंकिंग पैटर्न है साइकोलॉजी उसकी है ना सफोकेट हो सकती है, उसके रिलेशनशिप सफोकेट हो सकते हैं, मतलब जितनी डायमेंशन एक इंसान की बनती है ना अल्लाह कहता है मैं उसको जो है ना बंद कर देता हूँ। और ये वो पैटर्न है, ये होता क्यों है उसी वजह से, और ये जो है ना ये लेन देन चल रहा होता है मैंने देखा अल्लाह की तरफ से। ये सेकंड है कि उसकी जिंदगी तंग हो जाती है। सोचे सबसे इंटेंस लेवल पता है क्या, कि अल्लाह ताला उस इंसान से नेकी की तौफीक छीन लेता है, इबादत की तौफीक छीन लेता है, और ये उस बुराई और उस गलती कोताहियों की वजह से हो रहा होता है इंसान का। हमारे लोग कहते हैं ना जी तौफीक नहीं मिलनी, इबादत में तौफीक नहीं आ रही या फिर चीजें भारी होती हैं, वो हम इसको इस एस्पेक्ट में ले रहे होते हैं कि यार देखो अल्लाह ताला ने, हम अभी भी अल्लाह ताला के जो है ना चुनिंदा लोगों में से, अभी भी अल्लाह ताला हमें पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आप हो सकता है अल्लाह ताला आपको पसंद कर रहे हैं, मुझे कोई इख्तियार नहीं है कि मैं कोई जजमेंट पास करूं, लेकिन हो सकता है आप अल्लाह के अजाब के अंदर हो और सबसे वर्स अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब के अंदर हूँ, जिसको मैं थर्ड लेवल के ऊपर इंटेंसिफाई कर रहा हूँ। सबसे लीस्ट तो ये कि अल्लाह ताला जो है ना उसी के ऊपर आपको बर्बाद कर दे, दूसरा ये कि मईशत तंग कर दे आप सफोकेट, थर्ड लेवल ये कि अल्लाह ताला इंसान को जो है उसकी जो इबादत की जो तौफीक है उसको वो छीन ले। अब इसमें इंसान ने अपने आप को प्लेस आउट करके देख लिया, भाई मैं इन तीन की जो रैली और लेगेसी है या लीग जो है बेसिकली, इन तीन सेगमेंट के अंदर हूँ या इन तीन सेगमेंट से बाहर। अगर तो वो बाहर है तो वो अच्छा है सुकून में, लेकिन अगर इन तीन सेगमेंट के अंदर है ही इज गॉन।